हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुए थे और 15 जनवरी 2021 तक चलने हैं। इस दौरान हम सभी शिक्षकों को कुल मिलाकर 18 कोर्स करने हैं। अभी 1 दिसंबर को मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 का लिंक लाइव कर दिया गया है। साथियों, आपने सुना होगा कि जब निष्ठा प्रशिक्षण के 18 कोर्स हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे पास जो हम कोर्स कर रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत, इन सभी से संबंधित स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो। इसी को ध्यान में रखकर हम सभी टीचर्स निष्ठा प्रशिक्षण की डायरी मेंटेन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण डायरी कोर्स नंबर 12, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अपनी निष्ठा डायरी में नोट करने हैं। साथियों, आपको कोर्स नंबर 12 का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 12 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें डायरी में नोट करने हैं। विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, सबसे पहले आता है इसमें अधिगम के उद्देश्य। इसमें दिया गया है कि यह मॉड्यूल निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है: अधिगम के उद्देश्य, विज्ञान क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम से अपेक्षाएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम परिणाम, अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सुझाई गई शैक्षणिक प्रक्रियाएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम में KRP के लिए सुझाई गई गतिविधियां। अधिगम के उद्देश्य, सबसे पहले बात आती है अधिगम के उद्देश्य। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विज्ञान की बुनियादी समझ हो। उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगम परिणामों की बुनियादी समझ हो। वे विज्ञान को जांच पड़ताल और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हों। वे समझे कि शिक्षक सीखने की सुविधा कैसे दे सकते हैं। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामग्री, शिक्षण और मूल्यांकन को एकीकृत करते हों। वे विद्यार्थियों के लिए अवधारणाओं के आदान प्रदान हेतु विभिन्न शिक्षण स्थितियों को डिजाइन करते हों। इसके बाद आता है विज्ञान क्या है। मनुष्य हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। प्रारंभिक समय से एक तरह की प्रतिक्रिया आसपास के भौतिक और जैविक वातावरण का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने की, सार्थक पैटर्न और संबंधों की तलाश करने और इस तरह से टिप्पणियों के आधार पर दुनिया को समझने के लिए वैचारिक मॉडल बनाने तथा सिद्धांतों, कानूनों और मूल तत्वों पर पहुंचने के लिए मिलती रही है। यही मानवीय प्रयास विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील एवं विस्तारीय निकाय है, जिसमें अनुभवों के नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान वास्तव में मुक्तिदायक की भूमिका निभा सकता है। यह लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है
आज लोगों के सामने दुनिया तेजी से बदल रही है, जहां सबसे महत्वपूर्ण कौशल लचीलापन, नवाचार और रचनात्मकता है। विज्ञान शिक्षा को आकार देने में इन विभिन्न अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बाद आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की उम्मीदें। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में बच्चों का विज्ञान के साथ पहली बार परिचय होता है। इस स्तर पर विज्ञान प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्वों तक एक क्रमिक बदलाव प्रदान करता है। इस स्तर पर पढ़ाए जाने वाली विज्ञान की अवधारणाओं को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि वे रोजमर्रा के अनुभवों की समझ बना सके। गतिविधियों और प्रयोगों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक घटक बनाना चाहिए। तो इसके बारे में लिखा गया है इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की उम्मीदें। साथियों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने का आशय है। पहला बताया गया है वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक प्रक्रिया के विभिन्न कौशल जिसमें शामिल है अवलोकन, प्रश्न प्रस्तुत करना, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना, परिकल्पना सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण, वैकल्पिक रूप से विचार करने, तोलने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, उनकी अपनी सोच को दर्शाना। इसके बाद इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों के लिए आयोजित किया गया है जो पार अनुशासिक प्रकार के होते हैं। भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, चीजें काम कैसे करती हैं, चलती फिरती चीजें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के परिणाम। अधिगम के परिणामों से पता चलता है कि विद्यार्थी क्या जानेगा और वह पाठ्यक्रम या कक्षा के अंत तक क्या कर पाएगा। अधिगम के विस्तृत कक्षावार परिणाम उदाहरणों के साथ अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं। कक्षा 6, यहाँ पर कक्षा 6 के जो है अधिगम परिणाम दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी अवलोकन योग्य विशेषताओं अर्थात उपस्थिति, बनावट, कार्य, सुगंध के आधार पर सामग्रियों और जीवों की पहचान करता है, जैसे पौधे के तंतु, फूल आदि। तो यहाँ पर कक्षा 6 के लिए जो शिक्षण के प्रतिफल हैं अधिगम के, उसके बारे में दिया गया है, जो अधिगम के परिणाम हैं ये कक्षा 6 के विषय में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कक्षा 7 के बारे में दिया गया है। साथियों, इससे अच्छा पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसमें पूरे मॉड्यूल का संपूर्ण विवरण दिया गया है। यहाँ पर कक्षा 8 के बारे में दिया गया है, इसमें यह आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास संभाल कर रखना, ये आपके बाद तक काम आएगा। इसके बाद आता है सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सुझावित शैक्षणिक प्रक्रियाएं। विद्यार्थी को एक समावेशी सेटअप में जोड़ो, समूहों और व्यक्तिगत रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं और निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंद्रियों का उपयोग करते हुए परिवेश, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, घटनाओं का पता लगाना, जैसे देखना, छूना, चखना, सूंघना और सुनना। विचार, चर्चा, रूपरेखा बनाने और उसके क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त गतिविधियों, रोल प्ले, वाद विवाद, ICT के उपयोग आदि के माध्यम से सवाल उठाना और उनके उत्तर खोजना, ये शैक्षणिक प्रक्रियाएं दी गई हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें विज्ञान पाठ्य पुस्तकों से कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की हैं। उदाहरण नंबर 1 में कक्षा 8 का अध्याय 4 धातु और अधातु के बारे में बताया गया है। मुख्य अवधारणा बताई गई है धातु और अधातु के भौतिक गुण और सीखने के प्रतिफल। विद्यार्थी सरल खोजबीन करता है, तत्वों को उनके आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत करता है। ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद इसमें आता है गतिविधि नंबर 1, ये गतिविधि दी गई है इसमें, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी दी गई है।
कि विद्यार्थी नंबर एक जो दृष्टि बाधित है, जब आप प्लेट को चम्मच से चोट करते हो तो यह जोर से बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन लकड़ी की छड़ी से मारने पर ध्वनि मंद होती है। शिक्षक, क्या आप में से कोई भी धातु के कुछ गुणों के बारे में बता सकता है? ये बहुत अच्छी गतिविधि दी गई है इसमें, जो क्लास में करानी चाहिए। इसके बाद गतिविधि नंबर दो आ जाती है। जांच करने से पहले शिक्षिका विद्यार्थी को परिकल्पना के लिए प्रेरित करती है कि क्या दिए गए पदार्थ पीटने पर अपने आकार बदलते हैं। परिकल्पना के बाद वे विद्यार्थियों को जांच के लिए प्रोत्साहित करती है। गतिविधि भी दी गई है इसके अंदर। फिर गतिविधि नंबर तीन दी गई है, यहां पर एक तालिका का निर्माण है सामग्री की विद्युत चालकता। ये तो हम स्कूल में भी कराते हैं गतिविधि, बच्चों को सभी कराते हैं। एक फिर आता है इसमें आगे की खोज के लिए आईसीटी का उपयोग करना। साथियों, आपको इस पीडीएफ में इस मॉड्यूल की पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं छुटा हुआ है जो इस मॉड्यूल में और इस पीडीएफ में न बताया गया हो। साथियों, इस पीडीएफ का पासवर्ड है 1111, यानी कि 4×1। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आता है इसमें मुख्य अवधारणा, पौधे की दुनिया में विविधता सीखने के प्रतिफल। विद्यार्थी अपने इलाके में पौधों की विविधता की सराहना और पहचान करता है। पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत करता है। पौधों की ऊंचाई मापता है, उनके अवलोकन के अनुसार लेबल सहित आरेख बनाता है। पौधों के लिए देखभाल और चिंता प्रदर्शित करता है। योजना, ड्राइंग और कागज का उपयोग कर कार्ड बनाकर रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है। ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। संसार के पौधों की विविधता की चर्चा और सराहना करता है। इसमें भी गतिविधि दी गई है। गतिविधि नंबर एक, परिवेश की खोज। ये अच्छी गतिविधि है बहुत, जो हम करा सकते हैं। यहाँ पर तालिका आ गई है, पौधों की श्रेणियों के विषय में दिया गया है। गतिविधि नंबर दो आ गई है, इसमें एक पौधे का चित्र बनाना। विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा पौधे के रंगीन लेबल वाले आरेख को बनाने और उसका नाम जिस भी भाषा को वो जानते हैं उसमें लिखने के लिए कहा जा सकता है। उनसे यह भी कहा जा सकता है कि इस पर कुछ पंक्तियां लिखें कि वे पौधे को क्यों पसंद करते हैं। फिर गतिविधि नंबर तीन आ गई है, दुनिया भर के पौधे। जैसे पूरा मॉड्यूल का विवरण है इसमें, बहुत अच्छा पीडीएफ है। यहाँ पर कोर्स कक्षा 8 के बारे में दिया गया है, अध्याय 13 ध्वनि, इसके सीखने के प्रतिफल इसमें बताए गए हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं। पूरी जो पूरा कोर्स है हमारा मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसमें संपूर्ण वर्णन दिया गया है इस पीडीएफ में। तो साथियों, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। काफी बड़ा पीडीएफ है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं इस पूरे पीडीएफ को पढ़कर सुनाऊं, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका पासवर्ड है 1111, यानी कि 4×1। आपको 4×1 टाइप करना है, यही का पासवर्ड है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।